नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। समरावता में 13 नवंबर को हुई हिंसक घटना में नरेश मीणा की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। 13 नवंबर को हुई घटना के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में लिया था, जहाँ से न्यायालय ने नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज फिर से नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 28 नवंबर तक नरेश मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने नरेश मीणा की पूरी कुंडली निकाल ली है। इसके साथ ही 23 अन्य मामलों में भी अब नरेश मीणा की फाइल पुलिस ने खोल कर रख दी है। ऐसे में अब नरेश मीणा के जल्द ही जेल से बाहर आने की संभावना कम है। प्रदेश में मौसम बदलने के साथ ही अब फिर से हल्की गर्मी लोगों को सताती हुई नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार दिन और रात का तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान जहां दिन का तापमान करीब 2 से 3 डिग्री तक बढ़ चुका है, तो वहीं रात के तापमान में भी करीब 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा दिन का तापमान बाड़मेर में 32.2 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं बीती रात फतेहपुर सीकर में सबसे कम रात का तापमान 8.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरीके से बने रहने की पूरी संभावना है। केंद्रीय कैबिनेट ने QR कोड वाले नए पैन कार्ड को मंजूरी दे दी है। योजना का नाम है पैन 2.0। भारत सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन कार्ड प्रणाली की कार्यक्षमता और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैन 2.0 की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड को शामिल करके मौजूदा पैन कार्ड को अपडेट ग्रेड करना है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया आसान हो सके। राजस्थान के उदयपुर के राजघराने का झगड़ा अब सड़क पर नजर आने लगा है। पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद पूर्व राजघराने का विवाद सड़क पर नजर आया। विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म के बाद परंपरा के तहत वह सिटी पैलेस में धूनी के दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए। इसी को लेकर विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ सिटी पैलेस के रास्ते पर लगे बैरिकेड को हटाते हुए जगदीश चौक तक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। महल में जाने की अनुमति नहीं मिलने पर विश्वराज मेवाड़ के समर्थकों ने पुलिस का घेरा तोड़ दिया और महल के गेट तक पहुंच गए। कुछ समर्थक दीवार चढ़ गए। इस दौरान महल के अंदर से पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई, जिसमें से 3-4 लोगों को चोट भी लगी। उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण के साथ कंज्यूमर केयर की अवधारणा को मूर्त रूप दिए जाने के क्रम में राज्य में उपभोक्ता विषयक विभिन्न नवाचारों के साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता आयोग में होने वाली भर्तियों में पहली बार लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद चयनित अध्यक्ष और सदस्य के विषयज्ञ दक्ष होने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया और कार्यात्मक क्षमता में न केवल अपेक्षाकृत वृद्धि होगी, बल्कि समयबद्ध न्याय सुलभ होगा और उपभोक्ता आंदोलन सुदृढ़ होगा। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास को लेकर बैठक ली। जयपुर में आगामी 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। इस विश्व स्तरीय आयोजन में जयपुर की गौरवशाली परंपरा एवं छवि धूमिल न हो, इसके लिए भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों को जल्द से जल्द पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में पुलिस और यातायात पुलिस के अधिकारियों को भिक्षावृत्ति लिप्त व्यक्तियों की सूचना जिला प्रशासन एवं मानव सेवा संस्थान द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर को देकर रेस्क्यू में सहयोग प्रदान करने के साथ ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त भिखारियों के विरुद्ध निरोधात्मक एवं कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में 3-0 से शर्मनाक हार झेलने वाली भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार वापसी करते हुए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत ने बल्लेबाजी के साथ ही गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस जीत के साथ ही भारत एक बार फिर से WTC पॉइंट टेबल के टॉप स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने इस जीत के साथ ही 61.11% अंकों के साथ टॉप पर वापसी कर ली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस सूची में दूसरे नंबर पर खिसक गई है। अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही सीरीज में 4-0 से जीतती है तो वह सीधा WTC के फाइनल में जगह बना लेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया को WTC फाइनल में जगह पक्की करने के लिए अब अपने 6 टेस्ट मुकाबलों में से 5 में से जीत हासिल करना जरूरी है।
आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन दो दिनों तक जेहाद में चला। पहले दिन जहां नीलामी में बल्लेबाज और ऑलराउंडर का दबदबा रहा, तो वहीं दूसरे दिन गेंदबाजों का जलवा भी सिर चढ़कर बोला। आरसीबी ने स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार को 10,75,00,000 रुपए खर्च करके अपने साथ जोड़ा। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल ने नीतीश राणा पर बड़ा दाव खेलते हुए टीम में शामिल किया। हालांकि रॉयल्स ने कुणाल पांड्या पर भी दाव खेला, लेकिन आरसीबी टेबल पर कुणाल पांड्या को हासिल करने में सफल रही। वहीं नीलामी में सबसे बड़े चौंकाने वाली तस्वीर रही शार्दुल ठाकुर, केन विलियमसन, पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, स्टीव स्मिथ का किसी भी टीम द्वारा दिलचस्पी नहीं दिखाना। इसके साथ ही बैरिस्टो मुजीब, डैरिल मिशेल, सिकंदर राजा, उमेश यादव, बैरविस, टॉम लैथम भी अनसोल्ड रहे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं में नकल और धांधली रोकने के लिए आज जयपुर में मॉक टेस्ट रखा गया। इसके लिए पेपर महज 5 मिनट पहले सेंटर के सर्वर पर आया, फिर टैबलेट पर अपलोड किया गया। इस दौरान नकल माफिया के तौर पर भी आईआईटी और देश के टॉप हैकर्स भी 4 टीमें पेपर लीक पर धांधली की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। दरअसल टैबलेट बेस्ड टेस्ट टीबीटी कराने के लिए जयपुर के दुर्गापुर स्थित सरकारी स्कूल में कर्मचारी चयन बोर्ड 2 दिन 26 नवंबर और 27 नवंबर को मॉक टेस्ट का आयोजन कर रहा है। आज इसका पहला दिन रहा, इसमें सामान्य परीक्षा के तरह ही प्रदेश के स्टूडेंट शामिल हुए। आलोक राज ने कहा कि जिस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसी तरह से टैबलेट बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में पेपर परीक्षा शुरू होने से महज 5 मिनट पहले सर्वर पर केंद्र पर पहुंचेगा, इसके बाद पेपर टैबलेट पर अपलोड किया जाएगा। यही पूरी प्रक्रिया लगभग 5 से 7 मिनट में पूरी कर ली जाएगी। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र में ठेकेदार के शपथ पत्र को लेकर अब विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने आज से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल सरकार की ओर से सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख को 27 नवंबर तक बढ़ाया गया था। ऐसे में आवेदन करने वाले सफाई कर्मचारियों के पास अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने के लिए महज 1 दिन का समय बचा है। ठेकेदारों के जरिए बीट्स पर काम कर रहे कर्मचारियों के ESIPF के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, इसके चलते उनके अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।